आज हम अधूरे आंचल का क्लाइमेक्स सीन करने जा रहे हैं, और आज जो शूट हम ले रहे हैं वो बच्चों के साथ में है। और ये देखो नन्ना मुन्ना बच्चा प्यारा सा, ये हमारा फिल्म का जान है, बस ये अधूरे आंचल की जान है। ये कहते हैं कि जब इंसान कुछ चाहता है ना तो अपने आप ही आर्टिस्ट बन के आ जाता है अपने पास में। अब ये भी ऐसे ही मेरे पास में आ गए, देखो चांद सा। देखिए स्टोरी के बारे में तो अभी मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगी, इसलिए क्योंकि ऑलरेडी स्टोरी के बारे में कह दिया तो फिर उसका सस्पेंस खत्म हो जाती चीज़ें, क्योंकि तो अभी मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अभी मैं बताना नहीं चाहती हूँ एक्चुअली। हाँ जी, तो हम सबसे मेन ज़रूरी कि हम ये फिल्म एलजीबीटी की कम्युनिटी पे बना रहे हैं फिल्म, और इसमें हम जो रानू पांडे जैसे रानू मंडल जैसी जो शख्सियत हैं, तो हम लोगों को यहाँ पर उस करेक्टर को भी हम लोगों ने दिखाया है सामने से कि एक सावित्री जो ताई है ये कूड़ा बीनने वाली लेडी होती हैं, तो उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, तो हम लोग अधूरे आंचल में उन सब चीज़ों को दिखा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये फिल्म रानू मंडल जैसी जो शख्सियत है उसको सामने लाती है फिल्म। इसमें किस किस कैरेक्टर को दिखा रहे हो आप? अभी रानू मंडल का इंटरव्यू हुआ। हाँ जी, काफ़ी टाइम से चला है, क्या कुछ न्यू ऐड किया है इसके अंदर? इसमें हमने कोशिश की है कि मैं रानू मंडल को कम से कम एक महीने से ऑब्जर्व कर रही हूँ रानू मंडल को, और रानू मंडल का जब मैंने देखा ना कि वो लेडीज कहाँ से कहाँ तक पहुँची हैं और कैसे उसका सफ़रनामा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर उस करेक्टर को फॉलो करके चल रहे हैं इस फिल्म के अंदर, और सामने समाज में दिखा रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ किसी की ज़िंदगी में होता है तो कोई अगर कोई अच्छा घर उसको अपना लेता है ऐसे लोगों को, तो उनकी ज़िंदगी सफल हो जाती है। इसी अभी स्टार कास्ट देखिए, हमारी फिल्म में सारे स्टार कास्ट हैं, और ये जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं ये हमारी फिल्म की जान है, और हमारे साथ में ये जो हमारी आर्टिस्ट है गज़ल, और ये भी एक बहुत अच्छी भूमिका करने जा रही है इसके अंदर, और ये जो हमारे साथ अनिल जी हैं, दर्शन जी हैं, तो ये सारे मेन भूमिका में काम कर रहे हैं, और ये तो हमारा फिल्म का मेन सितारा है। इसलिए क्या नाम है इसका? नाम हमने फिल्म साज अब्राहम। हाँ, इसका नाम है साज अब्राहम। हाँ। परेशान पूछिए मत, ये बिल्कुल मुझे लग रहा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल ही है। अभी परेशानी है तो बच्चे छोटे होते तो परेशान तो करते ही हैं, लेकिन जो इनकी परेशानी में जो एक आनंद है, एक अनुभूति महसूस होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसी तरह। पहले तो मैं बताऊँ, मेरा नाम है गज़ल शेख, और वैसे तो प्रोफेशनली मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, बट बॉबी मैम ने एक्टर भी बना दिया है, तो अभी रोल के बारे में तो बताओ। हाँ जी, ये इसमें श्वेता का रोल करने जा रही है, जो एक टॉम बॉय है और जो एलजीबीटी कम्युनिटी को फॉलो करता है करेक्टर। देखिए इन्होंने काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर दे दिया है, तो थैंक यू सो मच बॉबी मैम। तो बस मैं इतना ही बताऊंगी कि एलजीबीटी के लिए है बहुत अच्छा जो भी ये कर रहे हैं, तो इट्स वेरी गुड एंड थैंक यू अगेन। अभी टफ कैरेक्टर तो इन्होंने दिया है, और बॉबी मैम का सपोर्ट है तो डेफिनेटली सब कुछ अच्छा ही होगा, तो अभी देखते हैं कितना अच्छा कर पाते हैं और कितना क्या होता है, लेट्स सी। उनका आशीर्वाद रहा तो सब कुछ अच्छा ही होगा। जरूर जरूर जरूर, मेरी ब्लेसिंग ऑलवेज उनके साथ में ही है, और वैसा कुछ नहीं है, हमेशा तरक्की करो और कुछ अच्छा अचीवमेंट करें। अगर इनको करैक्टर मिला है तो बहुत अच्छी तरह से उनको फॉलो करेंगी और उस करैक्टर में खुद आएंगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, वो मेहनत करेंगी। मेरा नाम दर्शन पंड्या है, और बॉबी मैम ने मुझे एक अच्छा मतलब चांस दिया है कि उन्होंने मतलब जो भी नए कैरेक्टर उन्होंने जो बताए और नए लोगों के लिए, वो एक बॉबी मैम का सपोर्ट इतना अच्छा है कि वो नए नए जो मतलब जो लड़के लोग हैं उनको चांस दे रही है और एक्टिंग के उसमें वो आगे कर रहे हैं, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ और आगे भी उनके साथ काम करूँ रहा हुआ है। मेरा नाम है अनिल भालेराव, मुझे बॉबी मैम ने यहाँ पे मतलब ये मूवी में कास्टिंग डायरेक्टर का चांस दिया है और एज ए एक्टर का भी चांस दिया है। तो ये जो बेसिकली स्टोरी है ये एलजीबीटी के ऊपर है, और ये मैसेज है ना लोगों तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग मतलब जो एलजीबीटी कम्युनिटी के रहते हैं
उन लोग की कंडीशन बहुत ख़राब रहती है, तो बॉबी मैम ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लाया और अच्छे से वो हम लोग सब लोग मिल के हार्डवर्क करेंगे और ये मूवी को और चार चांद लगा देंगे। थैंक यू बॉबी मैम। क्यों नहीं, इसलिए बहुत अच्छा। अभी मेरी फिल्म में ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने नाम बताओ इनको, सभी को अपने अपने नाम बताइए, नाम बताइए, अपने नाम बताओ। वाली, पवित्रा। शूट कर रहे हो इस फिल्म में आप? हाँ बोलो। हाँ बोलो। शूट कर रहे हो ना, शूटिंग कर रहे हो ना आप लोग? हाँ हाँ बोलो। माला, मेरा नाम जीवन है। डर तो नहीं लग रहा है ना काम करते हुए? पवित्रा। अच्छा लग रहा है काम करने में? बहुत अच्छा लग रहा है ना। जो शुरू करने जा रहे हैं ना साथ में, तो थोड़ा सा पहले दिन का थोड़ा सा होता ही है बच्चों में, तो अभी धीरे धीरे जैसे ये शूट करेंगे तो अपने आप को पूरा मस्ती करेंगे बिल्कुल शूट की, शूटिंग के अंदर बिल्कुल। थोड़ा बारिश का मौसम है इसलिए लेट हो गई, उसके लिए सॉरी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये फिल्म में, बॉबी दीदी ने मुझे लिया और मुझे तो कुछ मालूम नहीं है तो मुझे चांस दिया, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। देखिए बार बार बच्चा सस्पेंस है, अभी बच्चे के बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि आप देखोगे तो पिक्चर तो मालूम पड़ेगा नहीं, लेकिन अभी पहले कुछ भी बच्चे के बारे में। हाँ ठीक है कि बच्चा बहुत इम्पोर्टेंट है इस फिल्म के अंदर, कोई ये हेमा जी भी ऐसे प्रेग्नेंट हैं इस वक्त और वो एक बच्चे के साथ में है, तो एक सस्पेंस है, हम बताना नहीं चाह रहे कि सस्पेंस कैसे खुलेगा आगे जाके। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, आप मतलब इस किरदार को निभा रहे हैं। हाँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और समाज के लिए, पब्लिक के लिए एक मतलब ये सोशल मैसेज हम लोग देना चाहते हैं, जो ये बुरे बाप को और माँ को निकाल देते तो उसके लिए एक ये है। देखिए मैं तो इस फिल्म को अभी तक तो हम जब शुरुआत करें तो बहुत अच्छी तरह से हमने शुरुआत की है और ये इंटरनेशनल सब्जेक्ट है, क्योंकि जब एलजीबीटी कम्युनिटी जुड़ जाती हैं और समाज से रिलेटिव कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ जाती है तो वो ना चाहके भी अपने आप ही इंटरनेशनल बन जाती हैं चीज़ें, क्योंकि इस तरह के मुद्दे कोई उठाता है तो आसान तो होता नहीं है, तो इसलिए इतने। हाँ जी, मैं इसको बहुत अच्छी जगह और बहुत अच्छे लेवल पर इस फिल्म को तैयार करने के बाद में इसको इंटरनेशनल सिनेमा में मुझे ये फिल्म देखनी है इसी तरह। हाँ श्वेता का रोल कर रही है। मेरा नाम श्वेता है, स्वीटी है, श्वेता इसमें कर रही हूँ। मुझे कचरे का सीन मिला, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो कैसा फील हो रहा है, कचरा हुआ? बहुत खुशी हुआ, बहुत खुशी हुआ, बहुत खुशी हुआ मुझे। अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा लगा।